नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है कि जुलाई के महीने में संयुक्त मोर्चा ने अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर एक प्रभावशील आंदोलन इस प्रदेश में किया था। 30 जुलाई को पूरा प्रदेश व्यापी हमारा बंद था और एक 30 सालों के इतिहास में एक सफल आंदोलन हुआ था। हमें आशा थी कि सरकार हमारी 3 सूत्री मांग है और उस पर संगठनों को बुलाकर चर्चा करती और उस पर निर्णय लेती, लेकिन सरकार की जो कुंभकर्णी निद्रा है वो अभी भी बनी हुई है। सरकार कुंभकर्णी निद्रा में सो रही है। इससे मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने यह फैसला किया है कि हम 18 सितंबर को हमने प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों को, हमारे जो संयुक्त मोर्चा में शामिल सभी प्रदेश अध्यक्षों को आमंत्रित किया है और आज हम आगामी आंदोलन की रणनीति बनाएंगे और सरकार को आंदोलन का नोटिस देंगे। तो रणनीति तो यही है ना, अभी रणनीति हम बना रहे हैं। आज रणनीति के बाद हम आज जैसे लोगों का सुझाव आता है कि हमारा आंदोलन कैसा होना चाहिए, हमारी मांगें क्या होना चाहिए, ये 2-3 विषयों पर हमने आज चर्चा के लिए सबको बताया है और आज जो निर्णय होगा हम आंदोलन में जाएंगे और आंदोलन में देखेंगे जब आगे सरकार से टकराव पड़ेगी तो फिर उसको पूरा करेंगे। एक मिनट भाई, चलिए एक मिनट हाथ उठा लीजिए। कुमार भाई थोड़ा पास जितेन भैया के पास